हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना न्यू ब्लॉग। हम नहा धोकर तैयार हो गए हैं और देखिए मेरा छोटा बेटा भी नहा चुका है, उसे बस कपड़े देने हैं। अब चलते हैं पूजा घर की तरफ। यहाँ दीदी का बड़ा बेटा पूजा कर रहा है। आज निर्जला एकादशी है, मेरा भी व्रत है, तो मैं भी यहाँ पूजा कर रही हूँ। दीदी के घर का ये जो मंदिर है बहुत ही सुंदर है, उन्होंने अच्छे से बनवाया हुआ है। क्या कर रहे हो बच्चों? कब से खेल रहे हो? एक घंटे से। और ये बच्चे फुल मस्ती में हैं और युवराज बना रहे हैं अपनी वीडियो। हेलो करो, हेलो बोलो, हेलो बच्चों। चीटिंग भी करते हैं। कौन है सबसे बड़ा चीटर? सुबह से ये खेलने में लगे हुए हैं। अभी लंच में बनाएंगे हम आलू के पराठे। क्या कर रहे हो? मैं आज लंच में बना रही हूँ आलू के पराठे। और हम कितना टाइम हो गया? दो बज रहे हैं, सबको लगने लगी है भूख, तो बनाने लगे हैं हम खाना। यहाँ पर मूंगफली की गिरी कर रहे हैं। व्रत है आज एकादशी का। ये पिट्ठी भरी जा रही है, पराठे खाए जाएंगे मसालेदार बढ़ियादार घी के साथ। मिस इंडिया है हमारे घर की। अब देखिए हो रहे हैं शाम के 5:30 बज रहे हैं। ये बच्चे पानी में खेल रहे हैं। हम लंच करके सो गए थे पराठे खाकर, और ये अब बाहर की धुलाई भी कर रहे हैं और फर्श भी बहुत गर्म है। मैं और दीदी बोल रहे हैं बच्चे गर्म फर्श है, बीमार हो जाओगे, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। ये अपना नहा धुलाई भी कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए अतिक झाड़ू लगा रहे हैं और अतर गीला हो रहा है पाइप से। इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को वैसे तो गर्मी लगती है, और अब देखिए फर्श ये बहुत ही गर्म है। सच में ये बिल्कुल भी मान नहीं रहे बच्चे, कह रहे हैं हमें तो इंजॉय करने दो मम्मा। दोस्त भी आ गए हैं। अब आ गए हैं हम दीदी के गार्डन में। यहाँ चल रही है बहुत ही अच्छी हवा, और ये देखिए ये है गुड़हल का पेड़, और गर्मी के कारण देखिए फूल भी कैसे सूख गया है। बहुत ही गर्मी है यहाँ पर। और यहाँ अतिक्ष भी आ गया लॉलीपॉप खाता हुआ। और ये देखिए पत्थर चट्टे का पत्ता है, ये बहुत ही उपयोगी होता है। फोड़े फुंसियों में लगा लो तो इसे गर्म कर कर तवे पे और तेल लगा कर तो फोड़े फुंसी ठीक होते हैं। ये देखिए इस तरीके का होता है। जिनके पथरी हो वो भी इसे खा सकते हैं। इसे खाने से पथरी भी ठीक हो जाती है सुबह खाली पेट। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए हवा चल रही है और पुदीना देखिए कितना हरा भरा पुदीना और फ्रेश, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पुदीने की। अब हम फटाफट तोड़ लेते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च हम डालेंगे सब्ज़ी में। हम अधिकतर यहीं से हरी मिर्च तोड़ कर डालते हैं। बहुत सारे हरी मिर्च के पेड़ हैं। और आज हम बनाएंगे तोरी। तो देखिए तोरी कितनी सारी लग रही है। हम फ्रेश फ्रेश तोरी तोड़ के दिखाएंगे आपको। और देखिए सूरज भी, ये देखिए एक तोरी ये रही, हम इसे काट लेते हैं। तोरी काट लिया हमने, आ जाओ दूसरी काटेंगे। ये देखिए सूरज भी, बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ध्यान से काटनी है यहाँ पे, क्या है देखिए एक तोरी ये रही, काट लेते हैं हम। हमने दो तोरी काट ली है और दूसरे एक ये रही, लो पकड़ो पूंछ हरी मिर्च में। तो भाई जी मैंने मिर्च पकड़ ली है। कितनी? 4-5। गाइस ये रोज उगती है, ये देखिए रोज हो जाती है। हमने परसों भी तोरी बनाई थी, काट के काफी सारी तोड़े वो आपको रेसिपी वाले चैनल से मिलेगी। इसमें रोज
रोज उगती हैं और हम रोज तोड़ के ले जाते हैं, पर कभी कभार बनती है। ये देखिए हमने कितनी सारी तोरी तोड़ ली हैं। बच्चे तो खाएंगे नहीं, बड़े खाएंगे तोरी, तो उसके लिए काफी है। चलिए गार्डन में तो हम घूम लेते हैं। अब हो गए हैं शाम के 7:30 बज गए हैं, रात हो गई है। देखिए ये न्यू बॉर्न बेबी है गाय का, जिसे अभी दूध पीना नहीं आता। गाय का जब तक ये बेबी दूध नहीं पिएगा, जब तक गाय दूध नहीं देगी, सबसे पहले हम इसे दूध पीना सिखाएंगे। इसे देखिए, जैसे बच्चे को निप्पल पकड़वाते हैं, इसी तरीके से इस बेबी को निप्पल ही पकड़वाना पड़ेगा गाय के बच्चे को, तभी गाय दूध देती है। अभी पहले सबसे पहले देखो ये गाय के पैर बांध लिए हैं। ये दीदी के घर ये आंटी दूध और गाय का सारा काम यही करती हैं। देखिए वो खड़ा है गाय का बच्चा, थोड़ा अंधेरा। देखिए उसे पकड़कर थन में लगाया जा रहा है, जिससे कि वो सक करे और दूध पी ले, उसका पेट भर जाए। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए कितना जोर लगाना पड़ रहा है। अब चलिए बच्चे को दूध पिला दिया है, अब गाय के थन धो लेते हैं। थनों को अच्छी तरह धोना पड़ता है, क्योंकि बच्चे की राल वगैरह लग जाती है। अब हम निकालेंगे दूध। ये आंटी निकाल रही हैं गाय का दूध। देखिए गाय के पैर इसलिए बांधने पड़ते हैं क्योंकि गाय मार देती है, गाय के पैर लग जाएँ तो दूध भी बिखर सकता है, इनको भी लग सकते हैं। देखिए वो है 2 दिन का बच्चा गाय का, फटाफट दूध निकाल लेते हैं, फ्रेश दूध। ये आंटी सारा काम गाय का यही करती हैं। अभी ये जो दूध है ये इससे खींची बनेगा, क्योंकि अभी दूध नहीं हुआ। 3-4 दिन तक खींच बनता है, उसके बाद दूध बनता है ये। चलिए दूध तो निकल जाएगा, हम चलते हैं अपने किचन की तरफ, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। मैं बना रही हूँ सामक के चावल की खिचड़ी, और अब हमने डाल लिया है पैन में घी, फटाफट बना लेंगे खिचड़ी। चावल के साथ साथ अब इसमें डालेंगे हम 2 कटोरी पानी, 1 कटोरी चावल से, तो 2 कटोरी हम पानी डालेंगे। अब डाल देते हैं इसमें ये सेंधा नमक है, देते हैं ये घर का बना हुआ व्रत वाला गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ काली मिर्च डाल रही हूँ, इसमें ज़्यादा। ये देखिए इसे 10 मिनट लगेंगे, सिम गैस पर हम इसे बनने रख देते हैं, और फिर इस पर हम दिखाऊंगे कि ये कैसी बनी है। फिर हम रख देते हैं और गैस को कर देते हैं, फिर इसे बनने देते हैं। खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, चलिए अब हम इसे खा लेते हैं भोग लगा के, और फिर मिलते हैं आपको। देखिए अब रात के बज गए हैं 10:30, और हम सब किचन में बैठकर ही दूध पी रहे हैं। अथर, पीयूष, शिवराज, रितिया, हम सब अब यहाँ से दूध पी के किचन से जाकर रूम में बैठेंगे और वहाँ सब करेंगे बात, और पता नहीं कितने बज जाते हैं बात करते करते। चलिए गाइस इस ब्लॉग को यही बंद करते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया है तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।